बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास 5, लेक्चर नंबर 7, पेज नंबर 7 एंड टॉपिक इज वर्ल्ड क्लाइमेट। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। वेदर जो है, मौसम जो है, वो दिन ब दिन मौसम की सूरत हाल वो चेंज होती रहती है। कभी गर्म होता है, कभी ठंडा, कभी नमी होती है इसमें, क्लाउडीनेस, कभी सर्दी होती है, ड्राइनेस, कभी खुश्क होता है, रेन, कभी बारिश होती है किसी भी जगह पे। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, वेदर और क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है। वेदर जो है वो डे बाई डे, रोज़ के रोज़ चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे अरसे के लिए होता है। वेदर में कभी मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। जैसा कि आप देखें, कल को हमारा वेदर अच्छा था, मतलब कोल्ड था। आज का जो वेदर है थोड़ा सा हॉट है, तो इसलिए ये वेदर चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे अरसे के लिए होता है। ये डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ इज़ नॉट द सेम। क्लाइमेट जो है वो ज़मीन पर हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं नॉर्मल मौसम होता है, हर जगह पे डिफरेंट होता है। अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो प्लेसेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब होती हैं वो बहुत ज़्यादा सारा साल ठंडी रहती हैं। अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ इक्वली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। ऐसी प्लेसेस, ऐसी जगह हैं जो इक्वेटर के करीब होती हैं। आपको पता है ना, इक्वेटर ने मतलब हाफ ज़मीन का आधा जिसको करती है लाइन इक्वेटर, तो इस इक्वेटर के करीब जो एरियाज होते हैं वहाँ पर सारा साल गर्मी रहती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के असरात जो हैं वो हम पढ़ेंगे अब। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव। क्लाइमेट जो है वो लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है कि वो किस तरह से रहते हैं। क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर। क्लाइमेट हमारे अफेक्ट करता है क्लोथ्स, कपड़े जो हम पहनते हैं। मतलब गर्मियों में हम लाइट से कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम वार्म क्लोथ्स वेयर करते हैं। फूड जो है वो गर्मियों में और होता है और सर्दियों में हमारा चेंज होता है। एंड द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और जिस हम अपना फारिग वक्त गुजारते हैं किस चीज़ में, किन कामों में, इन अ वार्म क्लाइमेट। पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स। गर्मियों में जब गर्म मौसम होता है तो लोग ज़्यादातर बाहर की तरफ सैरगाहों में जाते हैं, जहाँ जो ठंडी प्लेसेस हैं, और वाटर स्पोर्ट्स पे जाते हैं। नेक्स्ट है, इन कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इंडोर्स एंड इन्जॉय इंडोर गेम। सर्दियों में लोग घरों में ही रहते हैं, लेकिन घर में रह के इंडोर गेम जो है वो इंजॉय करते हैं और प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का था हमारा लेक्चर ये, और आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।